नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामों में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतना ही नहीं आम लोगों से भी इससे जुड़ने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या हो जब खुद गंदगी करने वाले ही झूठी शिकायत करने लगे? तो जी हां, कुछ ऐसा ही मामला अजयगढ़ की ग्राम पंचायत प्रतापपुर में देखने को मिला, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा स्वच्छता अभियान में सहयोग करना तो दूर की बात है, यहां देखा गया है कि लोग खुद ही कचरा फेंक कर फर्जी शिकायत कर रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव के कुछ ही तथाकथित लोग इस प्रकार का कृत्य जानबूझकर कर रहे हैं। वहीं ग्रामवासियों ने बताया है कि पंचायत को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और सभी के जन सहयोग से ही स्वच्छ भारत बन सकता है। गाँव में गंदगी कैसे होती है? यार रोड रोड भैंस बनती है और गंदगी होती है, इसमें गोबर यहाँ का बहाव जाते हैं, नालियों में गोबर डाल देते हैं। नालियों में गोबर यहाँ का डालती। राजा, आपका गांव प्रतापपुर हमेशा सुर्खियों पे रहता है, लोग बाग कहते हैं यहाँ गंदगी ज्यादा होती है। गंदगी खुद लोग बाग कर रहे हैं, गंदगी वही जो है, तो अपना रोडों में कचरा डाल रहे हैं, कितनों मना किया जाए, कई बार सफाई हुई, कोई सफाई का दो दिन सफाई हो नहीं होती तत्काल वहीं डाल देते। पिछली साल भी सफाई हुई, अभी पूरी सफाई हुई, रोजगार सहायक और सेक्रेटरी साहब ने पूरी सफाई की। किसको मना किया जाता है तो लड़ने के लिए तैयार है। राजा, और ये पंचायत घर पंचायत भवन अपना टाइम पे खुलता है, टाइम पे बंद होता है? अभी तो टाइम पे खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं गांव के, ये तो सब गलत विरोधी हैं, कुछ लोगों का चिल्लाना है, विरोध करना। क्या आपकी पंचायत के सरपंच सेक्रेटरी सही काम कर रहे हैं? सही काम चल रहा है, कोई गलत नहीं है। धन्यवाद राजा। हर बार उससे पैसों की मांग करते हैं और पैसा मीडिया वालों को ना मिला तो ऊट पटांग ये लोग निकालते रहते हैं आए दिन। कहाँ तक वो पैसा दे, गरीब महिला है उसको कहीं से कोई फिजूल की आमदनी हो तो वो पैसा दे। मैं भी तो देखता हूँ, मैं भी तो ग्राम में रहता हूँ, और जो लोग उनके कहने पे उनके साथ भाइट वगैरह दे देते हैं वो भी वैसी लोग हैं। ता तो है नहीं, केवल बेमनोस्ता के कारण कि हम हमारा दबाव बने तो हमारे ऊट पटांग काम हो, किस वजह से उस पर सरपंच पे दबाव बनाने के लिए सब लोग ऐसा करते हैं। प्रतापपुर पंचायत में राजा, ये जो रोज़ खबरें चलती हैं कि आए दिन पंचायत घर बंद रहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गांव वालों की शिकायतें हैं कि ये बंद रहता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं पंचायत भवन से 150 मीटर अधिकतम दूरी पर रहता हूँ, 24 घंटे घर पर रहता हूँ जी। मेरे मकान के बिल्कुल जस्ट सामने पंचायत भवन बना हुआ और मैंने इस समय पे अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाया है तो मैं घर पे निश्चित रूप से रहता हूँ। यहाँ जो भी मीडिया वाले ये पत्रकार बंधु छुटपुट भाई हमारे आते हैं वो क्या है कि यहाँ हरजन महिला है, वृद्ध है, सरपंच। आपका पंचायत घर टाइम पे खुलता है? हाँ खुलता है, खुलता है टाइम पे। हाँ। और लोग बात कहते हैं कि कचरा गांव में नाली साफ नहीं होती है, कचरा पड़ा रहता है। साफ होता है, सब कुछ होता है, साफ होता है। हाँ। तो ये लोग बात अफवाह फैलाते हैं, ये सब ऐसे आप कराते हैं, झूठ मूठ।